हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब सोरासिस होता है पेशेंट को, तो उसे ये समझ नहीं आता कि मेरा सोरासिस कौन से ग्रेड में है या कितनी सिवियरिटी से मैं पीड़ित हूँ। मीन्स अगर सोरासिस हुआ तो ये कौन सा ग्रेड में चला गया मेरा डिसीज़, और जब डिसीज़ हो रहा है तो मैं कितना इफ़ेक्ट हो चुका हूँ बॉडी पे, और इसको ठीक कैसे करूँगा, और भी बहुत तरीके के सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो नंबर वन, आज मैं यहाँ पर आपको ग्रेडिंग बताऊँगी कि सोरासिस की आप ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और कितने ग्रेड्स में सोरासिस आपको बॉडी पे मिल सकता है, उसके साथ साथ आपको इसको ठीक कैसे करना है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर वन, जो पहला ग्रेड होता है वो बहुत ही माइल्ड सोरासिस का होता है, जब सोरासिस की शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत भी पेशेंट टू पेशेंट अलग तरीके से होती है। एक शुरुआत होती है कि एक पैच हुआ और एकदम से विद इन अ वीक और 3-4 डेज में पूरी बॉडी इफेक्टेड हो गई, और एक शुरुआत होती है कि स्कैटर्ड पैचेज हैं बॉडी पे। स्कैटर्ड पैचेस मीन्स एक पैच कहीं और फ्यू स्पॉट्स के साथ आपको सोरासिस हो रहा है, तो वो टाइप्स ऑफ सोरासिस में चला जाता है। लेकिन हम ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं, टाइप्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने अपनी बहुत वीडियोस में बताया है कि अगर पूरी बॉडी पे हो रहा है और पपड़ी ऐसे बन रहा है स्केली स्किन जैसा, तो प्लेक सोरासिस है। एक्ने जैसे स्पॉट्स बन रहे हैं तो पस्टुलर सोरासिस है, उसमें पस निकल रही है, और बिना पस के है तो वो गटेड सोरासिस है, या वो जॉइंट्स पे हो रहा है तो वो इनवर्स सोरासिस है, या फिर वो एरिथ्रोडर्मिक में कन्वर्ट हो गया है कि वो सिवियरली बर्न की तरह दिख रहा है, तो वो सिवियर फॉर्म हो जाती है एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस की। एक नेल सोरासिस होता है जो नेल्स में मिलता है, और एक स्कैल्प सोरासिस होता है जो आपको सिर्फ स्कैल्प पे पाया जाता है। अब आपको कैसे पहचानना है कि ये डिसीज़ आपके कौन से ग्रेड में है, या आप कितना इससे इफेक्ट हो चुके हैं। सो माइल्ड सोरासिस जो होगा वो पूरी बॉडी पे नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे ही होगा, कुछ पैचेस होंगे, फ्यू पैचेस स्कैटर्डली आपकी बॉडी पे फैले हुए होंगे, और उसकी शुरुआत होगी जिसमें आपको हल्की बहुत इचिंग या नहीं भी हो सकती, या इरिटेशन डेवलप हो सकती है, और पपड़ी बहुत माइन्यूट बनेगी। एक होता है मॉडरेट सोरासिस। मॉडरेट सोरासिस में पपड़ी जो बनती है वो ज़्यादा बनती है, डेड स्किन ज़्यादा निकलेगी, फ्लेकिंग ज़्यादा होगी, और बहुत इचिंग आपको पैदा हो सकती है, इरिटेशन पैदा हो सकती है, और आपका बॉडी जो सरफेस है हो सकता है कि वो ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाए। मीन्स वो स्कैटर्ड फ्यू पैचेस में नहीं, बल्कि अलग अलग बॉडी पे बड़े बड़े पैचेस भी बन जाएँ या स्पॉट्स बन जाएँ, लेकिन बॉडी पार्ट्स ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। देन एक आता है सीवियर सोरासिस। सीवियर सोरासिस, जैसे मैंने बोला है कि एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस को हम सीवियर सोरासिस में कैटेगराइज करते हैं, द रीज़न बीइंग क्योंकि वो जो सोरासिस है वो बर्न जैसा प्रिटेंड होता है कि ऐसा लगता है पूरा शरीर जल गया, और ये पूरी बॉडी पे फैला हुआ होगा। पपड़ी इतनी बनेगी कि आप दिन में 2 बार, लाइक आप जब इकट्ठा कर रहे हो अपनी पपड़ी को, तो वो इतना इतना गुच्छा बना रही है पपड़ी को, और इतना सारा वो पपड़ी निकल के बन रहा है, झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, पेन हो सकता है, बुखार आ जाए, ऐसा लगेगा कि शरीर जल रहा है, तो ये सीवियर सोरासिस होता है। अब कोई भी सोरासिस है उसको ठीक करने के लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ दवाइयों से सोरासिस ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। दवाइयाँ कोशिश करें कि स्टीरॉयड आप ना लें, क्योंकि जब आप स्टीरॉयड लेते हैं तो बीमारी आपकी सप्रेस हो जाती है, और जैसे ही स्टीरॉयड छोड़ते हैं तो वो भड़ के शरीर पे वापस आती है। तो आप कोई ऑल्टरनेट पैथी, आयुर्वेद ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो आपको सूट कर रहा है, या हमारा ट्रीटमेंट, तो आप उससे अपना सोरासिस कंट्रोल करेंगे, तो एटलीस्ट आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, जैसे लिवर किडनी पे असर नहीं आएगा, और जब आप उसे छोड़ेंगे तो सोरासिस इतना भड़ के नहीं आएगा। तो आप ये ट्रीटमेंट प्रेफर करें। साथ ही साथ आप अपना डाइट मॉडिफिकेशन ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से ठीक होने वाली, जैसा मैंने बोला, सोरासिस नहीं होता। साथ में थोड़ा सा अपना ईटिंग हैबिट सुधारनी पड़ती है। ईटिंग हैबिट्स में जैसे जंक फूड, प्रोसेस फूड, अल्कोहल, नॉनवेज, खट्टा, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, ऐसी चीज़ें आप नहीं लेंगे और इनको भी छोड़ देंगे तो काफ़ी हद तक आपका सोरासिस कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। एंड लास्टली स्ट्रेस फ्री रहना है। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से, जब मेंटल स्टेबिलिटी है, खान पान अच्छा है और ट्रीटमेंट अच्छा है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप अपना सोरासिस पे विजयी पा सकते हैं, हरा सकते हैं, या उसको वापस आने से रोक सकते हैं और फ्लक्चुएशंस रोक सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप प्रेफर करें। और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जब सोरासिस होता है कि हम शैम्पू कौन सा लगाएं, या हम कौन से साबुन से नहाएं, कौन सा क्रीम लगाएं, तो उसके लिए आप सिया आयुर्वेदा को चूज़ कर सकते हैं। सिया आयुर्वेदा में शैम्पू है जो सिर्फ सोरासिस पेशेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि वो इरीटेशन जो बन रहा है, फ्लेकिंग बन रहा है, डेड स्किन बन रहा है, उनको वो ना बनने दे, कंट्रोल करे, हेयरफॉल को रोके, और जो उसका बॉडी वॉश है
बॉडी वॉश लगाने से ही आपका जो स्किन है, एक तो वो बैरियर बना लेगा स्किन पे, डैमेज नहीं होने देगा, पतली लेयर नहीं क्रिएट करने देगा, फ्लेकिंग को कंट्रोल करेगा, रेडनेस को कंट्रोल करेगा और आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। और उसी का मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली या तो आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के यूज़ कर लीजिए, और अगर आपको नॉर्मल मॉइस्चराइज़र चाहिए कि फेस पे क्या मॉइस्चराइज़र लगाना है, हम बाहर जा रहे हैं तो क्या क्रीम अप्लाई करें, तो आप सोरासिस पेशेंट की जो मॉइस्चराइज़र है सी आयुर्वेदा में उसको आप चूज़ करें, ताकि आपका स्किन बचा रहे लंबे समय तक और वो और डैमेज की तरफ ना जाए। तो अभी जैसा मैंने बताया आपको कि ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जो सोरासिस को बढ़ने से भी रोके, वापस आने से भी रोके, क्योंकि सोरासिस आता जाता रहता है, आपने खुद नोटिस किया होगा। और तीसरा, आपकी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बैलेंस आउट करे, ताकि वो अपनी बॉडी को अटैक ना करे। एंड लास्टली, कोई भी आपका वाइटल ऑर्गन इफेक्ट ना हो, लिवर किडनी जॉइंट्स इफेक्ट ना हो। और जब सोरासिस इतना सीवियरली इफेक्ट करता है, वो हड्डियों तक पहुंच जाता है और आपकी जॉइंट्स डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है, उसको हम सोराटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, तो उस स्टेज तक अपने सोरासिस को ना आने दें। आप शुरू से ही इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, डाइट, ईटिंग हैबिट्स एंड मेंटल स्टेबिलिटी, अपने सोरासिस को कंट्रोल करें, और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें, और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए हराएं। और भी अगर दिक्कत आ रही है या आप अपने सोरासिस से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें इमेजेस भेजें, कॉल करें, मुझसे आके मिलें और इसका एक सही इलाज पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।